न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर क्रिस केनर्स को पैरों में लकवा हो गया है। केनर्स लंबे समय से दिल की एक गंभीर बीमारी एरोटिक डिसेक्शन से परेशान थे और 11 अगस्त को अचानक से बेहोश हो जाने के बाद उनको सिडनी के एक अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। उनका सिडनी में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। एक हफ्ते पहले उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटाया गया है। न्यूजीलैंड मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केनर्स कैनबरा लौट आए थे। उनकी हालत गंभीर है। पूर्व ऑलराउंडर ने वकील एरॉन लॉयड के अनुसार सिडनी में हाथ की सर्जरी के दौरान उनके स्पाइन पर अटैक आया था, जिसकी वजह से उनके पैरों में लकवा हो गया है।